जिस चीज का हम पिछले 3.5 साल से वेट कर रहे थे, वो चीज फाइनली इतना वेट कराने के बाद इस इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी प्यारी महिंद्रा थार 5 डोर की, जिसको वैसे तो कंपनी ने अब नाम महिंद्रा थार रॉक्स दे दिया है, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा इस गाड़ी के ऊपर, बट क्या कर सकते हैं, ये पावर हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, गाड़ी को कंपेयर करना और ये बताना कि गाड़ी प्रैक्टिकल है या नहीं या फिर गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये तो हम कर सकते हैं। हमने इससे पिछले वाली वीडियो जो कि महिंद्रा थार 5 डोर के ऊपर बनाई थी, वो डेडिकेट करी थी महिंद्रा थार 5 डोर यानी कि थार रॉक्स के पहले टीजर के ऊपर, जिसमें हमने बात करी थी किस टाइप के लुक्स मिलने वाले हैं हमको नए वाली महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर और क्या क्या एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर पुराने वाली कंपैरिजन में, जिससे ये गाड़ी और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाए और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाए। वैसे तो उस वाले टीजर के बाद महिंद्रा थार रॉक्स का एक और टीजर अपलोड कर चुका है महिंद्रा, लेकिन उसके अंदर भी वही महिंद्रा थार 5 डोर के एक्सटीरियर के लुक्स के बारे में ही बताया हुआ है, कोई खास एडिशनल फीचर हमको उस वाले टीजर से पता नहीं चला है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है इंटीरियर लीक की, यानी कि एक वीडियो बाहर आई है जिसके अंदर महिंद्रा थार 5 डोर का पूरा इंटीरियर कंप्लीटली लीक हो चुका है, जहां पे इंटीरियर का कोई भी फीचर ऐसा नहीं बचा है जो कि अभी भी छुपा हो। तो बस उसी वीडियो की मदद से आज हम समझेंगे कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं और भी सभी डिटेल्स आप सभी लोगों को बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा बिना स्किप करे। और हाँ, आजकल चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से काफी सपोर्ट मिलता है चैनल को। बाकी शेयर करना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिसने अभी अभी रिसेंटली महिंद्रा थार 3 डोर लिए या फिर वो कुछ ज्यादा ही वाला खतरनाक थार लवर है। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और बताते हैं आपको वो सभी फीचर्स जो कि इसके अंदर एडिशनल मिलते हैं पुराने वाली 3 डोर थार से। जैसे कि आप सभी लोगों को अब तक तो पता चली गया होगा कि कुछ इस टाइप के लुक्स मिलने वाले हैं हमको नए वाली महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट वही सेम लुक्स हैं जैसे कि हमको 3 डोर थार में मिलते थे। बस फर्क इतना ही है कि इसके अंदर 2 डोर एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं और आगे की तरफ से थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस है, जैसे कि ग्रिल चेंज है, बंपर को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव सा बोल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा हेडलाइट्स की बात करें तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं इसके अंदर DRLs के साथ। बाकी एक्सटीरियर में तो और कुछ चेंजेस नहीं है, जो पीछे वाला डोर है वो काफी ज्यादा पतला है तो एंट्री और एग्जिट में थोड़ी सी दिक्कत मिल सकती है। बाकी पीछे वाली क्वार्टर विंडो भी आप देख सकते हो ट्रायंगुलर शेप में मिलने वाली है, जो कि इसके लुक्स को थोड़ा सा इनहेंस करती है। इसके अलावा इसके अंदर मिलते हैं हमको 18 से 19 इंच के अलॉय व्हील्स। पीछे की साइड से भी ये गाड़ी ऑलमोस्ट वही सेम रहने वाली है, बस टेल लाइट के अंदर भी LED टेल लाइट्स मिलती हैं इसके अंदर थोड़े नए डिजाइन के साथ। बाकी जो मेन चेंजेस रहने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर वो है इसके इंटीरियर के अंदर और फीचर्स के अंदर। तो आओ चलो जल्दी से देखते हैं क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर फीचर्स की हम लोग बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, रियर पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर इसके फ्रंट ग्रिल पे फोकस करते हैं तो आपको दिखेगा 360° कैमरा का फ्रंट कैमरा। इसके अलावा साइड मिरर्स पे भी कैमरा है, तो इस गाड़ी के अंदर हमको 360° कैमरा मिलने वाला है। इसके अलावा एक और मेजर अपडेट रहने वाला है फीचर के अंदर, जो कि है एडास लेवल 2। यहाँ सही सुना आपने, नए वाली महिंद्रा थार 5 डोर के अंदर यानी कि महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर हमको एडास लेवल 2 मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली बात है सेफ्टी को इनहेंस करेगा और ड्राइव क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा और इसको वैल्यू फॉर मनी बनाने में भी सहयोग करेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटीरियर मिलने वाला है हमको नए वाली महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर, जहां पे डुअल टोन में डैशबोर्ड रहने वाला है ब्लैक और पीच कलर में, जिसमें एसी वेंट वही पुराने साइज और शेप के रहने वाले हैं, बस बीच में हमको एक काफी बड़े साइज की 12 इंच की मोस्ट प्रोबेबली एक टच स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा इस गाड़ी में हमको वॉइस कमांड का सपोर्ट मिलने वाला है। उससे थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, नीचे की साइड वायरलेस चार्जिंग पैड और इस वाले लीक्स के अंदर तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वही हमको स्कॉर्पियो जैसा ही काफी बड़े साइज का 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है और आगे की तरफ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, जैसे कि हमको महिंद्रा 3XO और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में मिलता है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, क्रूज कंट्रोल या फिर कह लो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे काफी सारे फीचर्स मिलेंगे हमको स्टीयरिंग के ऊपर। स्टीयरिंग के साइड में आप देख सकते हो काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं इसके अंदर, वीडियो में तो ढंग से विजिबल नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के ही फीचर्स होंगे। बाकी प्योर व्हाइट कलर का इसका इंटीरियर रहने वाला है, जहां पे छत भी पूरी व्हाइट कलर में रहने वाली है, सीटिंग भी पूरी लेदराइट में रहने वाली है व्हाइट कलर में। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे की दोनों सीटें वेंटिलेटेड मिले, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं महिंद्रा से। बीच में हमको ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों के लिए ही सेपरेट आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी जो एक मेजर चीज रहने वाली है वो है इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली सनरूफ। लोग पहले अपनी छत काट काट के सनरूफ लगवाते थे, महिंद्रा वालों ने कहा हम खुद ही दे देते हैं। इस गाड़ी के अंदर हमको नॉर्मल वाली छोटी सनरूफ में मिलने वाली है और पैनोरामिक बड़े साइज की सनरूफ में मिलने वाली है, जैसे कि आप इस वाले महिंद्रा थार के ऑफिशियल पोस्टर में देख ही सकते हो। बाकी पीछे वाली सीट भी आप देख सकते हो, अंडर थाई सपोर्ट आपको डिसेंट मिलने वाला है, सेंटर आर्मरेस्ट मिलने वाला है कप होल्डर्स के साथ, रियर एसी वेंट मिलेगा आपको, रियर चार्जिंग सॉकेट्स मिलेंगे और जैसे कि महिंद्रा थार 3 डोर से लोगों को शिकायतें रहती थी एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे रियर पैसेंजर्स, लेकिन वो चीज इस गाड़ी में सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि ये गाड़ी में 5 डोर मिलते हैं जिससे एंट्री और एग्जिट वाला झमेला पूरा खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बूट स्पेस भी देखोगे तो आपको सफिशियंट बूट स्पेस मिलेगा, जो कि पिछले वाली थार से लोगों को शिकायत थी। कुल मिला के इस नए वाली थार 5 डोर के अंदर हमको काफी सारी चीजें अच्छी देखने के लिए मिली है, जो कि इस गाड़ी को और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है और ज्यादा बढ़िया बनाती है। इसके अलावा पुरानी थार 3 डोर के अंदर हमको 2200cc का इंजन देखने के लिए मिलता था, जो कि 130bhp की पावर प्रोड्यूस करता था और 300nm का टॉर्क। इस गाड़ी के अंदर भी सेम इंजन रहने वाला है, बस इसी इंजन को थोड़ा सा और ट्यून करके इसकी पावर और टॉर्क को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स तो अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन ऑफ कोर्स 15 अगस्त बहुत ही
ज्यादा नजदीक है जब इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है, तब सारी डिटेल्स हमारे पास होंगी। इसके अलावा भाई प्राइस की बात करें तो अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा है इस गाड़ी के शुरुआती दामों का वो है 10 लाख रुपए एक्स शोरूम इसके 4x2 वेरियंट के लिए और 15 लाख रुपए एक्स शोरूम इसके 4x4 वेरियंट के लिए। अब देखना ये होगा कि कितनी प्रेडिक्शन सही रहती है हमारी, जो कि बहुत ही जल्द पता चली जानी है 15 अगस्त को। भूलना मत डेट सेट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी लॉन्च होगी हम जरूर वीडियो बनाएंगे उस पर। और खाली वही नहीं, जैसी कोई और भी गाड़ी लॉन्च होती है हम सबसे पहले आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करते हैं। तो इतने एफर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। बाकी भाई यही था इस गाड़ी का कुछ इंटीरियर जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया, और एक्सटीरियर तो आप लोगों को पहले से ही पता ही था। बाकी आपके क्या व्यूज है नए वाली महिंद्रा थार 5 डोर के ऊपर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और ऐसी मस्त मस्त वीडियोस हम इस चैनल पर डालते रहते हैं तो बने रहो चैनल के साथ। बेल आइकन दबा देना क्योंकि जैसी हम वीडियो डालें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम स्टे सेफ, बाय बाय।